अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में अब आप लोग एसटीसी पे का वीज़ा कार्ड और मदा कार्ड बहुत ही आसानी से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने वीज़ा कार्ड और मदा कार्ड को अप्लाई किया था एसटीसी पे के अकाउंट से, तो मदा कार्ड आ चुका है और वीज़ा कार्ड अभी नहीं आया है। तो वो ये मदा कार्ड आ गया, अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे तो आप देख सकते होंगे कि इसमें जब एक्टिवेट करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे एक्टिवेट होगा, तो आप लोग भी इस तरीके से एक्टिवेट कर पाएंगे। और आप लोग जब मदा कार्ड को एक्टिवेट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप देख सकते होंगे कि मदा कार्ड में जो जो नंबर आएंगे इनमें से किस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले आप एसटीसी पे को ओपन करें। और एसटीसी पे ओपन होने के बाद आप देखेंगे कार्ड से लिखा होगा, तो आपको कार्ड में जाना है। और जब आप कार्ड में जाएंगे तो आपने जो वीज़ा कार्ड या मदा कार्ड अप्लाई किया होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसको टच करेंगे। उसको टच करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको ये नंबर लिखना है जो नंबर आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा आखिरी में, चार नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस तरीके से नंबर लिखने के बाद फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। और ये नंबर लिख दिया है, लिखने के बाद कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको टर्म एंड कंडीशन को चालू करना है, ओके करना है। और जब चालू करने के बाद फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। और जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपका ये कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, फिर आप डन कर देंगे। डन करने के बाद अब आपको अगर इस कार्ड का पिन, अगर आपको इस कार्ड का पिन नंबर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको चेंज कैसे करेंगे। आप जाएंगे कार्ड सेटिंग में। कार्ड सेटिंग में जाने के बाद फिर आपके सामने चेंज लिखा होगा पिन कार्ड के साथ, उसमें जाएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको इधर पिन कोड लिखना है। पिन कोड लिखने के बाद फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। और इस तरीके से आप लोग एसटीसी पे का कार्ड को एक्टिवेट भी कर लेंगे और फिर पिन भी चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।